आप देख सकते हैं ये लाजपत नगर में मैं आया हुआ हूँ और ये अंकल देख सकते हैं ये आपका आंवला है अंकल के पास और इधर जो है आम भी है। ये पूरा इन्होंने प्रॉपर बना रखा है, लहसुन बना रखा है तो ये सारी चीज़ों का अचार बनाते हैं वो भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। आप देख सकते हैं कटिंग करने के लिए अंकल के पास सारा कुछ है। ये देखिए कटिंग करना शुरू हो गया अंकल जी, ये देखिए किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, पूरा बढ़िया बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल ये जो है आम का अचार बनाते हैं अंकल। और ये देख सकते हैं कटिंग करना, ये देखिए क्या बात है, ये आम का आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ताज़ा ताज़ा देख सकते हैं। इधर ये कटिंग करके सारा रख रहे हैं अंकल। ये इधर पूरा ढेर लगा रहे हैं अंकल ने, एक जो है आंवले का बनाने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं पूरा ढेर लगा दिया अंकल ने। तो ये सारे जो है सारे अचार मेरे पास, आंवला है, मिर्च है और अपना जो है आम का है, तो सारा सरसों का तेल भी देखिए बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने फ्रेश रखा हुआ है जो साथ के साथ मिलाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये बिल्कुल बढ़िया देखिए ये बन चुके हैं, ये अंकल ने बना के यार रख दिया देखिए अचार ही बना है, अलग से पूरा पैकेट बना के रखा हुआ है हमारे लिए, अंकल ने थोड़ा सा काट के दिखाया था किस तरह से बनाते हैं, बाकी आप देख सकते हैं पूरा बढ़िया माल है सब जगह। इसके बीज वगैरह सारे निकाल दोगे ना? हाँ। अब होता बिल्कुल क्या के खाओ याद के खा लो। ये देखिए सरसों का तेल खोला अंकल ने और ये सरसों का तेल इसमें मिलाया जाएगा, ये अंकल हाथ खा ले, हाँ ये देखिए तेल मिला चुके अंकल। ये देखिए मिलाने का तरीका देखिए, इसमें और पूरा सरसों का तेल अंकल डाल चुके हैं, ये जो है अंकल ने मसाला डाला इसमें, क्या बात है, ये तैयार हो गया है अंकल, ये बन के तैयार अंकल है तैयार। देख सकते हैं इन्होंने ऐसे बना के पूरा रखा हुआ है सारा, तो ये आंवले का, ये देखिए आंवले का और ये हो गया पूरा आम का, ये आम का बन चुका है।